Hi, welcome to our video of class 7 history, chapter 3, the Delhi Sultan. Students, today we will be discussing about the introduction of Delhi as a capital and the rulers of Delhi. Students, can you tell me where is Qutub Minar situated and who constructed it? Yes, Qutub Minar is situated in Delhi. The construction of Qutub Minar was started by Qutubuddin Aibak, but it was completed by Iltutmish. और बच्चों एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि कुतुबुद्दीन ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका और बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली एज अ कैपिटल। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ महाभारत। बच्चों, आपने महाभारत की कहानी सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें आपको पता होगा कि पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। यह इंद्रप्रस्थ आज की जो दिल्ली है उसके ही इर्द गिर्द मानी जाती। अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर एंड आनंद पाल तोमर वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर हु रूल्ड ओवर दिल्ली एंड ही बिल्ड अ सिटी within Delhi that called Lal Kot and later on he was defeated by Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan conquered Lal Kot and renamed it as Kila Raj Pithaura. बच्चों, यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि लास्ट चैप्टर तक ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। सबसे पहले तोमर राजपूत राजाओं के काल में दिल्ली उनकी राजधानी बनी और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। ऑन द गिवन मैप यू कैन सी दिल्ली एट कोहना, सीरी एंड जहांपनाह। इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital started with the foundation of the Delhi Sultanate. Now the next topic, the rulers of Delhi. After the death of Prithviraj Chauhan, Muslim rulers established their rule in India and 5 Muslim dynasties one after another ruled on Delhi. And the Delhi Sultanate refers to 5 Muslim dynasties like Slab dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty एंड लोधी डायनेस्टी टुगेदर मेड दिल्ली सल्तनत। बच्चों, पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद जो मुस्लिम शासक थे उनका शासन भारत में लागू हो गया और 5 मुस्लिम डायनेस्टीज जिनको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, इनमें स्लैब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी डायनेस्टी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द स्लैब डायनेस्टी। स्लैब डायनेस्टी जिसको हिंदी में गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक राज किया। बच्चों, एक चीज जो मैं और आपको बताना चाहूंगा, इस वंश का नाम स्लैब डायनेस्टी या गुलाम वंश इस वजह से पड़ा क्योंकि इस वंश का पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह एक गुलाम था और इसी के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ हुआ था। इन 1236 रजिया द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। देन द नेक्स्ट डायनेस्टी दैट वॉज खिलजी डायनेस्टी and one of the most powerful and important ruler of this dynasty was Alauddin Khilji, who introduced the
new system of market control, and he was also famous for his administrative measures in order to maintain a large standing army. Then the next dynasty was Tughlaq dynasty, and one of the famous ruler of this dynasty was Muhammad bin Tughlaq, and he was famous because he introduced three projects. The first, shifting of capital from Delhi to Gautabad, and introduction of token currency, and raising the land tax in Doab region, but all of which failed and weakened his position. And then the next dynasty was Sayyid dynasty, which ruled from 1414 to 1451, and it was the only Shia dynasty. And the last dynasty which comes under the Delhi Sultanate was Lodi dynasty, which rules from 1451 to 1526. Now we will try to understand about the sources which provide the information about the Delhi Sultanate. Students, as you know that inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, and further valuable sources are histories, Tariq or Tawarikh, which is written in Persian, and Persian was the language of administration under the Delhi. There is a term that is used in this topic, that is Tawarikh. So student, first of all, I just want to tell you what was Tawarikh. Tawarikh are the chronicles written by scribes, and these chronicles were called Tariq or Tawarikh. Now I just want to tell you the origin of the term Tawarikh or Tariq. Students, Tariq is an Arabic word meaning history or historiography. History or historiography. And the authors of Tawarikh were learned men like secretaries, administrators, poets and courtiers, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of the gesture. Students, have a look at the picture. There are four stages in the making of a manuscript. In the image 1, you can see that is preparing the paper. Second image, that is related to the writing the text. And the third image, melting gold to highlight important words and passages. And the fourth stage is preparing the binding. बच्चों, किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने के चार स्टेजेस होते हैं, जैसा आप सामने दी गई इमेज में देख सकते हैं कि जो पहला जो स्टेज होता है उसमें पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, दूसरे में जो टेक्स्ट राइटिंग का काम है उसको किया जाता है, थर्ड स्टेज में गोल्ड को मेल्ट करके यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट वर्ड और पैसेजेस को हाईलाइट करके, और इसका जो चौथा और आखिरी चरण होता है वो होता है इसकी बाइंडिंग को तैयार करना. Now students, I just want to tell you the some of the important information related to the Razia Sultana. She was the first and last female ruler of Delhi Sultanate. Razia was the daughter of Sultan Iltutmish, and she became the Sultan of Delhi in 1236. But she was dethroned only in 1240 only for being a woman, and was unacceptable to the nobles. Even a famous chronicler of the age, Minhaj-e-Siraj, recognized her as more able than all her brothers. बच्चों, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी. उस युग के इतिहासकार Minhaj-e-Siraj ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था. दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे. सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया. Let's rewind what we have learned. Under the Tomars and Chauhan, that Delhi became an important commercial center. Inscription, coins and architecture provide a lot of information. The authors of Tawarikh were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers. The language of administration under the Delhi Sultans was Persian. Razia was the daughter of Sultan Iltutmish, and she became the Sultan of Delhi in 1236. But she was dethroned only in 1240 only for being a woman, and was unacceptable to the nobles. Now I will ask some questions to you based on today's topic. Your first question is,
Which ruler first established his capital at Delhi? Your options are A. Chauhan ruler, B. Tomar Rajput ruler, C. Turkish ruler, D. Khalji dynasty. And your right answer is option B. Tomar Rajput ruler. Your second question is, Delhi became an important commercial center under the Das. Your options are A. Tomars, B. Chauhans, C. Both A and B, D. None of the above. And your right answer is option C. Both A and B. Question 3. Why was Razia removed from the throne? Your options are A. Razia was not qualified. B. Razia was underage. C. Razia was a woman. D. None of these. And your right answer is option C. Razia was a woman. Your fourth question is, what was the language of administration under the Delhi Sultan? Your options are A. Urdu, B. Persian, C. Hindi, D. English. And your right answer is option B. Persian. Now it's time for practice. Student, your first question for your homework is, who are the authors of Tawarikh? And your second question is, Razia Sultan was unique in the history of the Delhi Sultanate. Do you think women leaders are acceptable more readily today? Students, we will be present soon with the next video of this chapter. Thank you.